फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बड़ी टेस्टी और डिलीशियस है। और चिकन विंग्स, विंग्स जो हैं वो रोस्ट भी होता है और करी भी होती है। तो टुडेज वी आर मेकिंग स्पाइसी चिकन रेड विंग्स। आप विंग्स बनाते हैं और यहाँ बड़े स्पाइसी रेड कलर के विंग्स बनेंगे। उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं दैट आर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून फुल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो रेड स्पाइस लिए हैं, जिसमें से कश्मीरी मिर्च है वो मैंने लिए 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे लाल मिर्च है ये भी 1/2 टीस्पून। हल्दी मैंने लिया है यहाँ पर पूरे 2 टीस्पून, ठीक है। ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, और सॉल्ट है 1 टीस्पून फुल, इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। शुगर है 1/2 टीस्पून, और चिकन विंग्स मैंने लिए हैं जो कि मैंने वॉश कर दिए हैं, ये है मेरे पास 1 kg। और लास्ट में आपको बताऊं मेरे पास है 2 लेमन। अच्छा जनाब, अब प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्पाइस हैं, ये सारे वन बाय वन हमें ऐड करने हैं इसमें, और इसको हम मैरिनेट करेंगे। आप 2 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक इसको मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूंगी। सबसे पहले मैंने ऐड किया शुगर, सॉल्ट, हल्दी, ऑयल, कोरिएंडर पाउडर, अपने लाल मसाले सारे, दोनों कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च, लास्ट में रहते हैं लेमन। फ्रेंड्स, हम इसमें दोनों लेमन का जूस निकाल रहे हैं, वो ऐड करेंगे लाइम जूस इसमें सीड्स निकाल के। व्यूअर्स, लेमन इसमें हमने ऐड कर दिया है, और हम इन तमाम जो स्पाइसेस हैं इनको हम ऐड मिक्सअप करेंगे अपने चिकन विंग्स में, और इसको मैरिनेट कर देंगे हम ओवरनाइट, ठीक है। आप इसको 2 घंटे से लेके 8-8 घंटे तक आप इसको इजीली मैरिनेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 टोमेटो मैंने लिए हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, और 4 मीडियम साइज ऑनियन है, 2 मैंने ग्रीन चिली लिए, 3 मैंने ग्रीन चिली लिए, 2 से 3 ग्रीन चिली, प्लस यहाँ पर मैंने लिया इसके साथ लहसुन लिया है 1 टीस्पून फुल, अदरक लिया है 1 टीस्पून फुल, दही है 4 टेबल स्पून, और थोड़े से कोरिएंडर लीफ, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें जीरा, और यहाँ पे सेम सीड्स है, तिल है मेरे पास, वो मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। डिपेंड करता है, आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, तो लेट्स प्रोसीड फॉर फर्दर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए है कढ़ाई, उसमें गरम किया ऑयल, ठीक है। अब जब ये पॉपिंग हो गई है और गरम हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, इनको मुझे करना है लाइट ब्राउन फ्राई। फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारी प्याज है वो हो चुकी है लाइट ब्राउन, इस टाइम पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अपनी मैरिनेटेड चिकन, इसको हमें इसके अंदर फ्राई करना है अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको किया है सॉफ्ट, इसका जो रेड जो कलर है चिकन का वो हमें ख़त्म करना है। थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और इसमें हमने कोई और स्पाइस नहीं ऐड किया है, जस्ट हमें करना है इसको अच्छी तरह फ्राई इसका। फ्रेंड्स, यहाँ इसका रेडिश जो है कलर वो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता गायब। अब मैं ऐड करूँगी इसमें लहसुन और अदरक, इन दोनों का जो इसमें खुशबू है वो ऐड हो जाएगी चिकन में। व्यूअर्स, आफ्टर एडिंग गार्लिक एंड जिंजर, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पोटैटो, मैंने थोड़े थोड़े पोटैटो स्मॉल साइज के इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये जो है जस्ट फॉर टेस्ट है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपके पास चॉइस है आप इसमें ऐड करें या ना कीजिए। इस टाइम आई एम एडिंग टोमेटो पेस्ट जो मैंने बनाया था वो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें, थोड़ा सा हमारा जो जीरा था वो ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो जीरे को पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त टाइम है इसमें ऐड करने का योगर्ट, योगर्ट मैंने 4 टेबल स्पून लिए, और इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया है, ठीक है।
लेकिन जो इसका जो बाउल बचा है उसमें मैं ऐड करूंगी पानी, वो भी ऐड करूंगी। लेकिन पहले योगर्ट को इसमें हम करेंगे एडजस्ट अच्छी तरह तमाम अपने चिकन में, जितना भी बैटर है हमारा। व्यूवर्स इट बिकम्स रेडी और मुझे ऐड करना है इसमें सेम सीड, बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल हमें बंद करनी होगी इसकी पॉट हमें। तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें हल्का सा सेम सीड। फ्रेंड्स यहाँ हमारा रेडी हो चुका है रेड चिकन विंग्स और इसमें मैंने ऐड की है गार्निशिंग, जो की है मैंने की है वो कोरिएंडर लीव से और प्लस सेम सीड। और ये है आप सर्विंग बाउल में। इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलेंगे जरूर न्यू रेसिपी में या न्यू होम रेमेडी में। आप लोग मुझे कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आई विल साइनिंग इन न्यू रेसिपी एंड न्यू होम रेमेडी। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।